बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने खोला अपना नया रेस्टोरेंट मालवीय नगर में। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने ये फैमिली रेस्टोरेंट खोला है, जहां पर लोग अब बैठकर खाने का लुत्फ़ उठा पाएंगे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला गया था, जिसके बाद रातों रात बाबा इतने वायरल हुए कि उनकी किस्मत बदल गई। एक सड़क किनारे छोटा सा ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल पाएंगे, जहाँ पर वो फैमिली को बैठा कर खाना खिला पाएंगे। यहाँ पर हर किस्म का खाना जो है वो बिकेगा, और बाबा अब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि हाईटेक से इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है। क्योंकि आप इस पेंटिंग को देखिए, साथ ही साथ अगर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था करी जाए तो वो भी वो अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि जहाँ पर लोग अच्छे तरीके से बैठकर यहाँ पर खाने का जो है लुत्फ़ है वो उठा पाएंगे। 3 से 4 शेफ़ हैं वो रखे गए जो कि खाना बनाएंगे। इंडियन के साथ साथ आपको बता दें कि चाइनीज और साउथ ये दोनों किस्म का खाना भी जो है लोगों को मिलेगा। बहरहाल लोगों की जो संख्या है वो धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग आज से ही बाबा ने कर दी है, जो कि अब आम लोगों के लिए खुल चुका है। आपका नाम? मोहम्मद शफी। किस तरीके से देख रहे हैं बाबा का पहले ढाबा था, रेस्टोरेंट है, इस तरह की जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा था, मतलब हम लोग खाना खाते थे। कब से आप खाना खा रहे हैं बाबा? 15 साल से। तो अभी रेस्टोरेंट में कुछ स्वाद बदला है कि वैसे ही है? नहीं, अच्छा है। तो लगभग 15 साल से जानते हैं बाबा को? जी। तो पहले किस तरीके से रहते थे और अब किस क्या फर्क देखा? पहले हम लोग देखो पटरी पे रहते थे, झूठ क्यों बोले आपसे, अब ये बुलाए हैं तो आ गए। हमने चलो आज मुझे बैठने तो बुलाए थे, तो मैं इसलिए आ गया था। कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप बाबा आपके? अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्या कहेंगे और किस तरीके का खाना आप बनाए? नया उद्घाटन किया है, हम तो जनता का धन्यवाद करते हैं, जनता हम यहाँ से पहुँचाई है। क्या क्या खाने में है? खाने में दाल चावल रोटी सब्जी और आप चाइनीज हिंदी जाना जो नहीं। तो पहला वाला जो ढाबा उसे बंद करेंगे या फिर चालू करेंगे? नहीं, चालू रहेगा, चलेगा। होगी बाबा, जो खाने का स्वाद है वो उसी तरह रहेगा कि स्वाद वही स्वाद रहेगा? तो किस तरीके से रेट रहेगा? अभी रेट अभी तो वही रेट चल रहा है जो पहले देते थे। मतलब रेट बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा भी लगा हुआ है। अभी उस तरीके का ढाबा नहीं है, ये अभी स्टैंडर्ड ढाबा बन चुका है। हाँ, तो रेट मतलब बढ़ा के रखेंगे या उस तरीके के ढाबे के? नहीं, अभी तो ऐसे चलेगा, अभी देखा जाएगा, इसे डिसाइड होगा कि हाँ भाई कमयाबी बने कैसे। तो आप दोनों ढाबों पर बैठा करेंगे? हाँ जी हाँ। तो खाना खुद अम्मा आप भी बनाओगे या कुछ लोग रखेंगे? नहीं जी, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। बाबा किस तरीके से देखते हैं, पहले एक छोटे ढाबे में था, एक बड़े ढाबा, अब एक रेस्टोरेंट खुल रहा है, आपने किस तरीके से सबको देखते हैं? भैया हम जनता को धन्यवाद करते हैं, जनता हमारे को यहाँ तक पहुँचाई है और जनता का पैसा जो है हम लगा रहे हैं।